फिर आपको लिए चलेंगे सखर, जहां पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनिसेफ वगैरह, ये सारे, फिर यूरोपियन यूनियन हमें अक्सर मदद करती है, ये जो क्राइसिस है ये किसी भी हालत में 2010, 2011, 12 या 2020 से कम नहीं, से ज्यादा है और हमें शदीद मदद की जरूरत है और हम उसके लिए जवाब नहीं बैठा। मैं जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक ये हर जगह मुझे मिलते हैं फोटो सेशन, ये भी तो भाई आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके जरिए मैं आवाम को बता रहा हूँ, फिर ये भी तो फोटो सेशन है ना। फोटो सेशन नहीं, आप लोग खुद आके खड़े होते हैं, जाके पूछते हैं, और ये अच्छी बात है कि आपके जरिए हम आवाम तक पहुंच सकते हैं, तो इस पे इतराज नहीं कीजिएगा। बंदों पे शदीद सूरत हाल है सख्त, लेकिन मेरे पास वो डिटेल है, मैं आपको बताता हूँ। कल तक 177 लोगों की मौत हो चुकी थी, ऑब्वियसली एक अभी जो आज खैरपुर में हुआ है, तो ये होगी, जो भी लोग बारिश से जिनकी जान जाती है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो पहले नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाई है, 2018-20 में ये नहीं थी, 10 लाख रुपए पर जो लोगों की डेथ होती है बारिश की उनको दे रहे हैं, और अल्लाह करे कि नहीं हो, लेकिन जो बरसात आ रही है अभी कल से एक और प्रिडिक्शन है, एक और स्पेल की, और इस वक्त ज़्यादा बारिश जो वो नॉर्दर्न सिंध में हो रही है, अल्लाह ताला रहम करें। कोशिश हमारी यही, हम खुद ग्राउंड पे मौजूद हैं, कुछ लोगों को बस्तियां देंगे। सखर शहर में क्यों नहीं, एक आदमी सखर शहर में गुजरना बड़ा मुश्किल है, कश्तियां देंगे, इधर से आ गए कश्तियां सर, बंदों की वजह से कराना बड़ा बड़ा है, इस मुश्किल वक्त में जो है मुल्क में निमाज नजर नहीं आ रहा है, और शहरी इलाके में काम हो रहा है मगर देहाती इलाके में नजर एकड़ो अभी नहीं आ रहा, आवामी भलाई के हवाले से मैं एक मिनट, अच्छा देखो, देखिए आपका सवाल, मैं खुद सारे देही इलाकों में देख के और मुझे हर जगह पे अवामी नुमाइंदे मिले हैं और वो बैठे रहे हैं। अब देखिए मसला ये है कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, मैं कल नौशहरों सांगढ़ नौशहरों खैरपुर ये देखा, बड़े बड़े ज़िले हैं, अगर आप कहें खैरपुर में अवामी नुमाइंदा किसी एक जगह नहीं पहुँचे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पहुँचना शायद पॉसिबल नहीं और पानी, लेकिन यह आप बिल्कुल इसकी इत्मीनान रखें कि अवामी, मैं कल गया हूँ तो फैजगंज के लोग मुझे नौशहरों में मिले हैं जो कि वहाँ से निकल के आए, मंगरोज रात के थे, और मैंने खैरपुर में फिर उनका कहा है कि भाई उनका ख्याल रखना अपना, तो ये इशू है कि लेकिन लोग हमारे ग्राउंड पे हैं और पहुँच रहे हैं। आखिरी सवाल करें उठो जरा, आपके रोड रास्तों को ही कोरोना की सूरत आए तो मास्क ऐं सैनिटाइज़र ब्लैक ते महांगो हींअर 50% तव्हां ॾिसंदव सिंध में पकी आहे, कची छत टिमी पई आहे, हर माण्हू प्लास्टिक वठण थो वञे, पहिरियों जेका किलो जे हिसाब सां मिलंदी 200 में, हींअर 350-400 रुपए गज़ मिले थी, पर तव्हांजा चूंडियल नुमाइंदा बि बीठा आहिनि, उन वटि बि शिकायतूं ईंदियूं हूंदियूं, प्लास्टिक न आहे, हर माण्हू कवर करणु चाहे थो, त इंतिज़ामिया खे हिदायतूं ॾियो त इंतिज़ामिया खे ऑलरेडी अवेलेबिलिटी बि हुजे। राति इहा ॻाल्हि थी हुई, राति को इहा बात हुई थी, और मैं फिर कहूंगा कि इस मुश्किल वक़्त में जो होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, वो एक जुर्म करता है, और इंतजामिया का काम है कि जुर्म से उनको रोका जाए। मैंने यही कहा है कि आप इनके, और इंतजामिया ने कल मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, उसने कहा कि जी जैसे हमें इत्तला मिली थी हमने रेड्स भी किए हैं, और अगर जरूरत पड़ी, बल्कि जरूरत है, हम ये मटेरियल अपने कब्जे में लेंगे और उनको जो उसकी सही कीमत है वो दिलवाएंगे, ताकि लोगों को तकलीफ। छोटा सा सवाल ये है कि सखराला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना था कि हम सब एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। पटीदन में 355 मिलीमीटर बारिश हुई, 800 पता चला, एक मस्जिद शहीद हो गई, 5 नमाजी शहीद हुए। सिंध में इस साल 500% ज्यादा बारिशें हुई हैं।